So what's up viewers and welcome back to my channel with a new video with a new idea. And in this video I'm giving a new look to the all new Nissan Magnite. And Nissan Magnite अभी recently में launch हुई थी and it's a compact SUV. और compact SUVs के बारे में बताने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, आप सभी को मालूम है कितने लठगाड़ रखे हैं इन्होंने, like Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Creta. तो ये जितनी सारी compact SUVs है इन्होंने मार्केट में अच्छी तरीके से बूम किया हुआ है, और क्यों ना करे, क्योंकि हम लोगों को एक गाड़ी में क्या चाहिए, गाड़ी का लुक अच्छा होना चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, और माइलेज भी अच्छी देती हो, और साथ ही साथ बजट में भी हो. तो ये सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट एसयूवी में आप लोगों को मिल सकती है. तो आप लोग मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों की कौन सी फेवरेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है. तो बात करते हैं यहाँ पे निसान मैग्नाइट के बारे में. तो निसान मैग्नाइट को आज मैं एक एडवेंचर वर्जन में डिज़ाइन कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कलर है वो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, और जो कलर है वो मैंने येलो स्टोन दिया है, बिकॉज येलो में जब गाड़ी थोड़ी गंदी हो जाएगी तो ज़्यादा फोकस में आएगी. और उसी के बाद जितना भी क्रोम है वो मैंने सारा कर दिया है ब्लैक, बिकॉज जो क्रोम है वो लग्जरी कार के लिए बना है, वो क्लासिक कार के लिए बना है. SUVs हो गई, कॉम्पैक्ट SUVs हो गई, इन पे मैट फिनिश अच्छा लगता है. तो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक और येलो का वो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है. एंड डिटेलिंग वर्क करने के बाद जो दूसरी चीज़ इसमें मैंने चेंज करी है वो है इसके अलॉय व्हील्स, टायर्स थोड़े मैंने ऑफ रोडिंग लगाए हैं. एंड गाइज, अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवानी है तो आप लोग अपने रिम्स अलॉय व्हील्स से स्टार्ट कर सकते हो, उनको चेंज करवा सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है. बट एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि काफ़ी लोग, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत लोग देखे हैं कि अपने गाड़ी में जो ऑफसेट है वो थोड़ा ख़राब करवा देते हैं, टायर्स थोड़े बॉडी से बाहर निकला लेते हैं, वो चीज़ गलत है. दूसरा, काफ़ी लोग होते हैं अपनी एसयूवीज़ में, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में लो प्रोफाइल टायर्स लगवा लेते हैं, वो भी चीज़ गलत है. इसमें आपकी गाड़ी का लुक तो ज़ीरो होता ही होता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी ज़ीरो हो जाती है. हमें अगर मॉडिफिकेशन करवानी है अपनी कार में तो लुक तो अच्छा करवाना ही करवाना है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए, जब भी आपकी गाड़ी में जो मोड्स हैं वो परफेक्ट लगेंगे. तो यहाँ पे बातों बातों में जो गाड़ी का लुक है वो 50% कंप्लीट हो चुका है, टायर्स यहाँ पे लग चुके हैं, और काफ़ी हद तक इट्स लुकिंग लाइक एन एडवेंचर वर्जन. और रूफ़ पे मैंने लगा दिया रूफ़ रैक, एंड रूफ़ रैक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज. अगर आप लोग ओन करते हो एक एसयूवी को, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को, तो उस पर एक रूफ़ रैक लगाना इट्स गुड, बिकॉज एक रोड ट्रिप पे अगर आप जाते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे लगेज आ सकता है एंड आपकी जो कैबिन स्पेस है वो फ्री हो जाएगी, तो ईजिली आपकी एक रोड ट्रिप कंप्लीट हो सकती है. देन आई एम डूइंग माय फेवरेट थिंग ऑन ए कार, द येलो टिंटेड हेडलाइट्स. ये मैंने अपनी गाड़ी पे भी करवाई हुई है ग्लेयर पे. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फोटोज डालता रहता हूँ, गो एंड फॉलो मी देयर, अप टू डेट रहो. तो एवरीथिंग इज डन गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल इमेज. एंड द फाइनल इमेज ऑफ दिस न्यू निसान मैग्नाइट एडवेंचर वर्जन इज दिस. सो गाइज, दिस इज द फाइनल इमेज. एंड आप लोग देख सकते हो जो कलर है और जो रूफ रैक है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज है, बिकॉज रूफ़ रैक इतना फिट नहीं हो रहा था तो मैंने रूफ़ कैंप ही लगा दिया. एंड देन कलर भी थोड़ा मैंने सैचुरेशन कलर की थोड़ी कम कर दी, प्लस जो फ्रंट में मैंने थोड़ी और एडिशनल लाइट्स लगाई है, साथ ही साथ फ्रंट बार लगाया है जो कि लुक को थोड़ा एनहेंस कर रहा है. एंड इफ़ यू लाइक दिस न्यू लुक, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो कमेंट करके मुझे बताओ, गिव योर थॉट्स, एंड साथ ही साथ लाइक बटन, हिट दैट लाइक बटन इफ़ यू एंजॉय माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. That's it guys, new video is coming soon. Till then, stay tuned and peace out.